अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में जमा और तफरीक के ज़रिए मसावात का हल सीखा है। अब हम ज़र्ब और तकसीम के ज़रिए मसावात का हल सीखेंगे। यहाँ पर एक मिसाल दी है, एक्स बटे पाँच बराबर 40। तो हमको क्या करना है, एक्स की कीमत मालूम करना है, ये एक्स बराबर कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, बटे में कितने हैं, पाँच। तो हम यहाँ लिखेंगे तरफेन तरफेन को पांच से ज़र्ब देने पर। अब तरफेन को हमको इसको भी और इसको भी कैसे ज़र्ब देना है, पांच से। यहाँ लिखेंगे एक्स बटे पांच ज़र्ब पांच बराबर में यहाँ लिखेंगे 40 ज़र्ब 5। अब ये 5, ये 5 से क्या हो जाएंगी, तकसीम हो जाएंगी। यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ पर हम 40 को 5 से ज़र्ब देंगे तो 5 × 20 और 0 का 0, यानी x की कीमत क्या आ गई, 200। ये काय के ज़रिए हमने ज़र्ब के ज़रिए जो है मसावात का हल निकाले। अब दूसरी मिसाल हम यहाँ देखेंगे, वो हम तकसीम के ज़रिए, यहाँ पर 3y = 24 है। तो हम क्या करेंगे, तरफैन को तीन से तकसीम करने पर। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, तीन से तकसीम करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3y / 24 / 3। तो जब यहाँ ये तीन से ये क्या हो जाएंगे, तकसीम हो जाएंगे। ये तीन से 3 × 8 = 24, यानी y = क्या आ गया यहाँ पर, 8। y की ये मतलब को मालूम हो गई। इस तरह हम तकसीम के ज़रिए भी मसावात हल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा।